डियर स्टूडेंट, एम ए वी एन की ऑनलाइन क्लास में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे क्लास फिफ्थ हिंदी अवन आपकी पाठ्यपुस्तक है उसमें निर्धारित चैप्टर आ रही रब की सवारी। आ रही रब की सवारी आपकी बुक का पांचवा पाठ है, पांचवा चैप्टर है और इसके रचयिता हैं, लेखक जिनको कवि कहते हैं वे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी इसके रचयिता हैं। इस कविता को उन्होंने लिखा है और इस कविता में सूर्य के अनुपम छटा अनुपम सुंदरता का वर्णन किया है। बच्चों आप देखते हैं कि जब सूर्य हमारा सुबह प्रातः काल के समय में पूरी दिशा से निकलता है तो बड़ा ही सुंदर मनमोहक लगता है और जब अस्त होने लगता है तब भी, तो यहाँ सूर्य की सुंदरता का वर्णन आ रही, देखिए आ रही है रवि माने सूर्य की सवारी, सूर्य की सवारी अर्थात सूर्य जिस साधन से आ रहे हैं उसका वर्णन यहाँ कविता और गीत के माध्यम से किया जा रहा है। इस कविता का आपको आप शब्दार्थ लिखते हैं, हर चैप्टर में हर पाठ में आप शब्दार्थ लिखते हैं तो उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को करते हैं, उसके पहले आपको पीडीएफ भेजा जाता है। तो इसमें अभ्यास प्रश्न करने से पहले आपको शब्दार्थ लिखना पड़ेगा और प्रत्येक कविताओं की, जैसे आपकी कविताएं हैं तो उनकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, व्याख्या को भावार्थ भी बोलते हैं। आप चाहें तो व्याख्या ना लिख कर इसको भावार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भावार्थ, तो संदर्भ प्रसंग और इसका भावार्थ ये आपको करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा और कविता आप जानते हैं कविता का अर्थ होता है सस्वर वाचन करना और गीत और कविता का मतलब ही यही होता है कि आप उसे अच्छे सुर अच्छे लय में गाकर उसे सुनाइए, ठीक है, और गाकर पढ़िए। तो आइए आपकी कविता स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगी आपको और मैं उन कविताओं का सस्वर वाचन करने के पश्चात उसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ सहित उसकी व्याख्या करता जाऊंगा। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्य की अनुपम सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। पहली कविता आपकी है। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। अर्थात कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि आ रही रवि की सवारी अर्थात रवि अर्थात सूर्य होता है तो सूर्य भगवान सूर्य की सवारी आ रही है, नव किरण का रथ सजा है, नई किरणों से उनका रथ सजा हुआ है, कली कुसुम से पथ सजा है, कलियां और कुसुम अर्थात फूलों से उनका पथ रास्ता मार्ग सजा हुआ है, बादलों से अनुचरों ने, बादल रूपी अनुचरों ने, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, तो सोने की पोशाक अर्थात वस्त्र धारण कर लिया है, इस प्रकार से भगवान सूर्य की सवारी आ रही है। अगली कविता की विहग बंदी चारण, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। अर्थात कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि विहक अर्थात जो पक्षी हैं, बंदी जो उनके बंदी हैं, जो उनके सेवक हैं, चारण जो उनके भाट,
तो ये सभी क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं कीर्त, कीर्त माने यश का गायन गा रहे हैं। वे सभी भगवान सूर्य के आगमन पर उनके यश का यश के गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी, और छोड़कर उस मैदान को, उस फील्ड को, उस स्थान को छोड़कर भाग जाती है कौन, तारकों की फौज। सारी सारे जो तारागण हैं उनकी जो फौज है वो सब उन स्थानों को छोड़कर भागे हुए चले जा रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, इस प्रकार से भगवान सूर्य की सवारी आ रही है। और अगली पंक्तियां हैं कि चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि चाहता हूँ उछलूँ, कि मैं उछलूँ, और कवि कहता है कि मेरा मन चाहता है कि मैं प्रसन्नता से उछल पड़ूँ। पर ठिठकता देख कर यह, पर रुक जाता है मेरा मन यह देखकर कि रात का राजा खड़ा है, कि रात का राजा अर्थात चंद्रमा, रात का राजा किसे कहते हैं, चंद्रमा, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। कि सूर्य के उस मार्ग में जो रात्रि का राजा है वो रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात याचना कर रहा है, आ रही रवि की सवारी। इस प्रकार से भगवान सूर्य की सवारी आ रही है। तो बच्चों आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, आपको व्याख्या के अंतर्गत भावार्थ आता है तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, और इसे आप वीडियो को आप देखकर अवलोकन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।